subscribe to my channel and press the bell icon to get the early notification of my latest video. Hello friends and welcome to TechniSpace. आज की ये वीडियो ज्यादातर मैं उन व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहता था जो कम बजट में एक अच्छा सा पीसी बनाना चाहते हैं और जो उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाहिए वो काफी सस्ते में इंडियन मार्केट्स और वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे 10,000 रुपए के अंदर एक आप अच्छा सा पीसी बना सकते हैं या आप अपने पुराने पीसी को भी अपग्रेड कर सकते हैं जिसमें आप आराम से विंडोज 8.1 और 10 चला सकते हैं और हल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। पीसी बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए उसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं जहां और भी कम प्राइस में मिल सकता है। नया पीसी बिल्ड करने के लिए यह है वो कंपोनेंट्स जो मैंने बाय किए हैं। सबसे पहले स्ट्रांग पीसी के लिए चाहिए एक स्ट्रांग प्रोसेसर जो कि आप आराम से कम दाम में भी खरीद सकते हैं और साथ में चाहिए रैम और एक मदरबोर्ड जो सीपीयू और रैम को सपोर्ट कर सके। यहाँ अगर आप अमेज़न की वेबसाइट में आकर देखते हैं तो सीपीयू का प्राइस 2,500 के अंदर आ जाता है और उसके सपोर्टिंग मदरबोर्ड के लिए लिखा गया है LGA 155 सॉकेट और उसमें DDR3 का रैम लगता है। अगर आप प्रोफेशनल और मल्टीटास्किंग वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए 8GB का रैम और भी अच्छा रहता है। इसमें आप आराम से वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं और एडोबी फोटोशॉप में ग्राफिक्स एडिटिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका CPU 1 ईयर की वारंटी के साथ मिलता है और ऑनलाइन इसका 7 डेज का रिप्लेसमेंट टाइम भी दिया हुआ है। यदि आप इस प्रोडक्ट को ऑफलाइन मार्केट में खरीदेंगे तो इसे और भी कम दाम में पा सकते हैं और इसके साथ चाहिए एक मदरबोर्ड। अगर आपका मदरबोर्ड इसके साथ कंपैटिबल है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ज़ेब्रॉनिक्स का भी मदरबोर्ड अवेलेबल है जो कि कम दाम में है और 1 ईयर की वारंटी में भी आता है। इसका अच्छा रिव्यू दिया गया है, लोकल मार्केट में इसका प्राइस और भी कम हो जाता है। इसके साथ नया CPU का फैन भी खरीद सकते हैं जो कि CPU का टेम्परेचर कम रखता है और ऑफलाइन मार्केट में 250 रुपये तक मिल जाता है। CPU पर सही तरीके से थर्मल पेस्ट लगाया जाए तो उसका टेम्परेचर कम बना रहता है। अगर आप इसके साथ नया PSU भी लेना चाहते हैं जो कि कम दाम में मिले और साथ ही में अच्छी क्वालिटी का भी हो तो इसके लिए एंटेक एटम का 550 वाट्स का अच्छा रहेगा। इसमें 2 साल की वारंटी है और इसका रिव्यू भी अच्छा दिया गया है। फाइनली जो मैंने मार्केट से खरीदा हुआ है मर्करी का MH610TZ का मदरबोर्ड जो लोकल मार्केट में 3,500 तक मिल जाता है। इसका तो प्राइस कम है ही और साथ में 3 साल की वारंटी भी है जो कि ज़ेब्रॉनिक्स के मुकाबले अधिक है और ये सपोर्ट करता है LGA 155 सॉकेट जिसमें i3 i5 i7 सीरीज के CPU चल सकते हैं। इसका 16GB तक DDR3 का मेमोरी सपोर्ट है और 6 USB स्लॉट्स दिए गए हैं और चलने में भी ठीक ही ठाक है। साथ ही में इसमें डाइची का 4GB का रैम भी लगा हुआ है जिसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, इसीलिए 8GB का रैम बेटर रहता है। रैम भी आपको ऑफलाइन मार्केट में 200-300 रुपये कम पड़ सकता है। 4GB रैम में भी वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो जाता है। अगर हम इसको पुराने पेंटियम ड्यूअल कोर के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो इसके सारे अपग्रेडेड फीचर्स के बारे में हमें पता चल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स हैं और फ्रीक्वेंसी 3.4 GHz है और गेम स्कोर 70% है जो पुराने से काफी बेटर है। अगर आप कुछ पॉपुलर गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए ये CPU काफी है और अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगाकर गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलती है। इसका टेस्ट करने के बाद साइंस बेंच परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ आप देख सकते हैं इसकी रैंकिंग 653 दिखाई दे रही है जो कि i5 5300U से ऊपर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शंस कर दिए हैं, पावर सप्लाई यूनिट को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है और साथ ही में ब्लू कलर का VGA पोर्ट भी कनेक्ट कर दिया है। CPU फैन और रैम भी लग चुका है। अब इस साटा केबल को हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करते हैं और मदरबोर्ड को ऑन कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड ऑन हो चुका है और मॉनिटर से हम इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। डिलीट बटन दबाकर हम इसकी बायस सेटिंग में जा सकते हैं, इसकी ऑप्टिमल डिफॉल्ट सेटिंग्स सेव करके एग्जिट कर लेते हैं। विंडोज बूट होने के बाद सिस्टम्स में आकर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देती है और टास्क मैनेजर में आकर इसका CPU और मेमोरी भी चेक कर सकते हैं। बायस में जाकर इसकी मेमोरी को 1333 से बढ़ाकर 1600 MHz तक कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं कैबिनेट की। पुरानी मदरबोर्ड के मुकाबले इस मदरबोर्ड का साइज छोटा है इसलिए ये कैबिनेट में आराम से फिट हो गया। ये मेरा पुराना कैबिनेट है और इसमें आप देख सकते हैं कि साइड में काफी स्पेस खाली बचा हुआ है, इसीलिए पीसी को अपग्रेड करने के बाद मुझे नया कैबिनेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जब फ्रंटल ऑडियो कंपैटिबिलिटी इश्यू हुआ
तो फिर ऑडियो पैनल कनेक्शन को दोबारा लगाकर ठीक हो गया। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूं।